महिलाओं की सेक्स समस्या के बारे में आज बातचीत करते हैं, फीमेल सेक्स इश्यूज। ताई आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। हमारे कल्चर में, हमारे देश में महिलाएं सेक्स के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करती, और जैसा निषिद्ध माना जाता है सेक्स के बारे में कोई लेडी बात करती है तो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी महिला ने, मतलब पत्नी ने, कभी डिमांड नहीं करना चाहिए। ऐसा एक संकेत है, जब पति हाँ बोलेगा या पति की इच्छा होगी तभी सेक्स करना है, अदरवाइज स्त्री पत्नी कभी खुद होके नहीं बोलेंगी। ऐसा एक रिवाज है। फिर ऐसा है रिवाज कि नहीं, पति को सुख करने के लिए, सुखी करने के लिए, अच्छा लगने के लिए सेक्स करना है। उसको अच्छा लगा तो अपना क्या है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलता है। एक ऐसा भी होता है कि भाई पति को सुख देना है सेक्स में और वही अपना काम है, और दूसरा सेक्स इसलिए है कि बच्चे पैदा करना है, तो बच्चे हो गए दो तब काय को सेक्स करना है, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी सेक्स का निकल जाता है। और एक समस्या इसमें ऐसी होती कि महिलाओं को कभी चरम सीमा तक या चरम अवस्था तक महिला पहुंचती नहीं, मतलब पत्नी पहुंचती नहीं, एलईडी पहुंचती नहीं। होता क्या है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को सेक्स कैसा करना है मालूम ही नहीं है, और फिर वो सेक्स करते हैं, सेक्स करने के समय पुरुष का वीर्यपतन हो जाता है, और वो होने के बाद में भी स्त्री का, स्त्री की जो चरम अवस्था है, एक्साइटमेंट है और ऑर्गेजम है, वो ऑर्गेजम होता ही नहीं। जैसे इसका वीर्यपतन हो गया वो बाजू हो जाता है और स्त्री की इच्छा पूरी हो जाती है। फिर ऐसा बार बार होने लगा तो उसको लगता है क्या है, वो आदमी आता है सेक्स करता है निकल जाता है, अपनी तो इच्छा अपूरी हो जाती है, तो उसका इंटरेस्ट उसमें से निकल जाता है। तो लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा कारण है स्त्रियों का, कि लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट। अब वो लैक ऑफ सेक्सुअल इंटरेस्ट ये क्यों है, क्योंकि उसको तो एक तो इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि एक तो वो हो सकता है, या फिर हमारे देश में या हमारे कल्चर में स्त्री ने कभी बोलना ही नहीं है, उसको सेक्स होता ही नहीं है, उसका काम है कि बस लेटना और पति की इच्छा पूरी करना, बस उसका ही, मतलब इस तरह का हमारा एक मानना है, और वो तरह से लोगों का फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज उनका ऑर्गेजम हुआ ऐसा फेक करती है, मतलब ऐसा झूठा बताती है कि हो गया हो गया, और फिर आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता कि सच्ची ऑर्गेजम हुआ कि नहीं हुआ, स्त्री को समाधान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा उसको मालूम नहीं होता। कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी का जल्दी हो जाता है, शीघ्र पतन होता है एकदम, मतलब सेक्स शुरू करने के तुरंत बाद ही हो जाता है, और इसकी इच्छा अपूरी हो रहती है, कुछ मतलब थोड़ा भी एक्साइटमेंट स्टिमुलेशन होता नहीं है, और फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया तो फिर उसकी इच्छा मर जाती। अभी हमारे इसमें क्या होता है कि, और अभी मतलब अभी रिसेंट जो अभी सर्कमस्टांसेस है उसमें महिलाएं बहुत बाहर जा रही है, सर्विस में है, बिजनेस कर रही है, और फिर करियर का स्ट्रेस है, फिर बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस, शादी के बाद में भी पढ़ाई करने की उनकी इच्छा रहती है, फिर घर का देखो, ऐसा नहीं है आदमी का कैसा रहता है कि वो 8 घंटे उसने ड्यूटी किया कि घर का वो कुछ देखता नहीं, स्त्री का ऐसा नहीं, 8 घंटे ड्यूटी करो और 8 घंटे भी फिर घर का भी सब करो, खाना पीना पकाओ, सब बच्चों को देखो, वो भी उसको करना है, तो उसमें फिर वो थक जाती है, फिर रात को बिल्कुल थक के बेड पे गए तो फिर इच्छा ही होती नहीं और फिर सो जाओ जल्दी, इस तरह का वातावरण रहता है। तो एक समस्या है कि थक जाना, स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस है ना, करियर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, पति पत्नी का नहीं पटना, वो भी एक स्ट्रेस होता है, और एक दूसरे के बारे में शक आना, पत्नी को पति के बारे में शक है, पति को पत्नी के बारे में शक है, और आपस में मेलजोल नहीं है, और फिर उसमें वो जबरदस्ती सेक्स करते रहते हैं, करना करके करते रहते हैं, एक कार्य करना है करके करते हैं, तो फिर उसमें धीरे धीरे महिला स्त्री का उसमें का इंटरेस्ट निकल जाता है। महिला का जो एक्साइटमेंट है वो एक क्लाइटोरल एक्साइटमेंट है, मतलब जो स्त्रीलिंग रहता है उसका एक्साइटमेंट है, उससे उसको समाधान मिलता है, और दूसरा है वजाइनल एक्साइटमेंट, मतलब जो योनि होती है उसका स्टिमुलेशन होता है, वहां से एक्साइटमेंट उसको आता है, अंदर जो जी स्पॉट रहता है उसका एक्साइटमेंट होता है और वहां से उसको समाधान मिलता है। एक्चुअली ज्यादा समाधान जो है वो है स्त्रीलिंग का स्टिमुलेशन होना है, उसका टिकलिंग होना, बहुत ज्यादा समाधान मिलता है, मगर वो यदि समाधान उसको मिलता नहीं है और बार बार वैसा होने लगा तो उसको सेक्स में योनि का स्टिमुलेशन हो के इतना सेक्स में मजा नहीं आ रहा है, और फिर उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट निकल जाना, ये भी एक इंटरेस्ट निकल जाने का कारण हो सकता है। अभी इसके लिए क्या करें, नंबर एक, थकान के बाद में सेक्स करने का नहीं। नंबर दो, पति पत्नी के जो आपसी संबंध है वो एकदम कॉर्डियल होना चाहिए, मेलजोल होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपस में। तीन,
पति ने पत्नी को पूछना चाहिए और पत्नी ने पति को पूछना चाहिए कि उसका समाधान हो रहा कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो उसको कॉपरेट करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर इज द बेस्ट सेक्स टॉनिक, कि जिसको जो पार्टनर को इच्छा है बहुत, मतलब इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग, लोग सामने वाले को इंटरेस्ट भी लगना चाहिए वैसा अपन ने बनना, और अपनी इच्छा सेक्स में होना ऐसा रहना, इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर इज द बेस्ट सेक्स टॉनिक, तो वैसा स्त्री ने रहना चाहिए। फिर होता क्या है कि बाहर जाने के समय पुरुष या स्त्री दोनों अच्छे कपड़े पहनेंगे, एकदम टॉप टिप मेकअप करके जाएंगे, और जब सोने का टाइम आता है तो मैले कपड़े, घर के कपड़े कैसे भी दोनों भी पहनेंगे। तो मैं हरदम रिकमेंड करता हूँ कि बेड पे ऐसा जाओ कि कहीं शादी में जा रहे, इतना मेकअप करके जाओ, अट्रैक्टिव होके जाओ, ताकि सेक्स का इंटरेस्ट उसमें बढ़ सकता है। सेक्सुअल डिजायर कम होने का कारण होता है, एक तो मेडिसिन, यदि महिला लेती है, स्त्री लेती है मेडिसिन, तो एक हो सकता है कि ट्रैंक्विलाइजर से, मतलब टेंशन की दवाई ले रही है, डिप्रेशन की दवाई चालू है या मानसिक दवाइयाँ चालू है, तो उससे सेक्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, तो इसमें उनका इंटरेस्ट कम होता रहता है। तो एक वो देखना है कि भाई दवाइयाँ खा रहे क्या जिसकी वजह से इंटरेस्ट कम हो सकता है। फिर दूसरा फिजिकल फिटनेस, यदि फिजिकली अनफिट है लेडी तो उसका इंटरेस्ट कम रहता है। जॉइंट पेन है, हिप्स में पेन है, घुटनों में पेन है, पीठ में दर्द हो रहा है ना, अभी इसमें और वो फिट नहीं है, मतलब पेट ठीक नहीं है, मोटापा है, तो ऐसे इसमें फिर यदि वो फिजिकली फिट नहीं है तो इंटरेस्ट निकल जाता है। तो एक हमको देखना है स्किन के प्रॉब्लम्स, एलर्जिक रैशेस है, स्किन का प्रॉब्लम महिला को है, तो फिर उसका इंटरेस्ट खुद का निकल जाता है, सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं आता है, और फिर उनका लाइफ धीरे धीरे सेक्स का खत्म हो जाता है। तो देखना है फिर अपने बॉडी का ओडर है ना, यदि पति के या पत्नी के बॉडी का ओडर ठीक नहीं है, मतलब बॉडी का जो बास समझो आता है गंदा, ठीक नहीं आता, पसीने का बास आ रहा है, तो फिर एक दूसरे का इंटरेस्ट उसमें निकल जाता है और फिर सेक्स बराबर होता नहीं है और फिर वो प्रॉब्लम तैयार होता है। तो ऐसा बेड पे ऐसा जाना चाहिए कि जैसा शादी को जा रहे, कि मतलब माउथ का, मुंह का भी बास आना वो भी ठीक नहीं है, इलायची खाते हैं बाद में या ब्रश करके बेड पे जाते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि खाना खा के समझो बेड पे जाते हैं और उनका बास आ रहा है मुंह का, तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे बहुत कारण है महिलाओं के। फिर बाद में कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि सेक्स करने के बाद में उनको योनि में जलन होती है, या सेक्स करने के बाद में पेशाब में जब जाते हैं तब जलन होती है, तो फिर इसलिए वो सेक्स करना टाल देती है और उनका इंटरेस्ट निकल जाता है। तो देखना है कि भाई वहाँ इन्फेक्शन है क्या। वहाँ कभी कभी योनि में स्पाज्म होता है, स्पाज्म मतलब अकुंचन पाना योनि ने, तो एक अलग ही बीमारी है डिसपेरियोनिया, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से वो अकुंचन उसने छोटा हुआ है योनि मार्ग, और उसमें फिर उसको तकलीफ होती है, अंगार होती है, दर्द करता है, और फिर उसका इंटरेस्ट निकल सकता है। तो ऐसे काफ़ी सारे फीमेल हेल्थ इश्यूज है कि जिसके वजह से उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे छोटे रहते, 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के, और फिर बच्चे और पति पत्नी एक ही कमरे में सोते हैं, बच्चे सोने की हम राह देखते बैठे हैं कि बच्चे कब सोएंगे, बाद में सेक्स करेंगे, तब तक दोनों भी थक जाते हैं और उसका इंटरेस्ट उसमें से निकल जाता है। तो ऐसे कई कारण होते हैं कि जिसकी वजह से फीमेल का या मतलब स्त्री का इंटरेस्ट सेक्स में नहीं होता, और वो यदि हम देखते हैं कि भाई क्या कारण है, वो कारण का निपटारा करते हैं, तो दोनों भी एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि देखो दोनों ने इंटरेस्ट और इंटरेस्टिंग रहना जरूरी है, इसको बोलते हैं समागम, सम आगम, ये दोनों का खेल है, एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है। पत्नी का ये प्रॉब्लम है कि पति को एक्साइटमेंट देना, पत्नी का पति का ये फर्ज होता है कि पत्नी को एक्साइटमेंट देना, तो दोनों ने एक दूसरे को एक्साइटमेंट देना बहुत जरूरी होता है। तो ये वो देते हैं, और एक दोस्त करके बेड पे जाते हैं, फ्रेंड करके जाते हैं, है ना, दोस्त करके एकदम फ्रेश जाते हैं बेड के ऊपर, तो डेफिनेटली सेक्स में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।